क्या आप सोच सकती हैं, बता सकती हैं कि वंदना, अर्चना और कीर्तन, इन तीनों में क्या अंतर है? पद्म पुरस्कार किस लिए मिलते हैं? अभी अपने सर से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जी सर। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? पूजा जी, आप मुझे बताइए, भारत की जो विदुषी महिलाएं हैं उनमें से कुछ के नाम लिए जाते हैं और आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई की है उसका नाम भी उनसे जुड़ा हुआ है जी मैम, गार्गी जी। तो आप मुझे बताइए, गार्गी, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, ये लोग कौन थे? May I come in, sir? Yes, yes, yes. Please do. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए, बैठिए, बैठिए. Thank you, sir. आप हैं पूजा मीणा जी सर. आप पूजा चाहे तो मास्क हटा सकती हैं, हम सब लोग सुरक्षित हैं. Thank you, sir. पूजा, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और जो भी आपने अब तक किया है जीवन में वो सब बताइए. जी सर. सर, मेरा नाम पूजा मीणा है. मैं राजस्थान के जयपुर जिले की रहने वाली हूँ. ठीक है. मैंने फिलोसफी में मास्टर्स किया है और मैं अभी फिलोसफी में PhD कर रही हूँ. मेरी रुचि है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, ठीक है, ट्रैवल एंड फूड ब्लॉग्स देखना और फोक डांस करना. फोक डांस कौन सा? सर, मीनावती डांस और कभी कभी घूमर डांस. ठीक है. और आपका PhD का विषय क्या है? सर, मेरा PhD का विषय है कबीर का अद्वैत चिंतन और मानव धर्म. कबीर का अद्वैत चिंतन और मानव धर्म, ठीक है जी सर. और आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? सर, मेरा छठा अटेम्प्ट है. छठा अटेम्प्ट जी सर. और इंटरव्यू? सर, पहला मींस पहला इंटरव्यू. ठीक है. इतना समय क्यों लगा? सर, शायद मैं स्ट्रेटेजी को सही से समझ नहीं पाई जो UPSC की डिमांड थी. पहले दूसरे अटेम्प्ट में शायद वो लगा क्योंकि मेरा GS का जो पेपर था वो कुछ अंकों से छूट रहा था. लेकिन सर, जब डिमांड समझ में आई तो शायद कहीं ना कहीं प्रेशर रह रहा था कि अब अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, तो सर CSAT की वजह से नहीं हो पा रहा था. अच्छा. और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर, फिलॉसफी. फिलॉसफी. तो फिलोसफी में ही आपने अब तक ज्यादा पढ़ाई की है, इसका मतलब है ना? तो ये बताएं कि जो अद्वैत वेदांत है जी सर, शंकराचार्य का, उसमें सत्य के या सत्ता के कितने स्तर माने गए हैं और उन्हें सरल भाषा में कैसे हम समझ सकते हैं? सर, अद्वैत वेदांत में शंकर ने सत्ता के 3 स्तर बताए हैं. पहला प्रातिभाषिक, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा पारमार्थिक. सर, इसे हम सरल भाषा में इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे यदि कोई रस्सी को साप समझता है तो सर वो प्रातिभाषिक होता है. सर, दूसरा व्यवहार में जो हम वर्तमान में जो वस्तुएं देख रहे हैं, जगत को जो अनुभव कर रहे हैं, वो व्यवहार का स्तर. और सर, इन दोनों के स्तर पे जो उच्च स्तर का होता है पारमार्थिक स्तर, जहां हमें सत्य का ज्ञान होता है, हमें समझ में आता है कि व्यवहारिक और जो प्रातिभाषिक स्तर है वो परम सत्य का सिर्फ आभास मात्र है. परम अद्वैत वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है. तो सर, ये 3 स्तर माने. तो क्या ये कह दें कि रस्सी को सांप समझना प्रतिभास है, रस्सी को रस्सी समझना व्यवहार है और रस्सी को ब्रह्म समझना परमार्थ है? जी सर, ऐसा कहा जा सकता है. कह सकते हैं जी सर. सत और असत का लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है शंकराचार्य के यहाँ? सर, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो सर, सत वह है जो चेतनवान है या चेतनावत है, जो असत नहीं कहा जा सकता, और असत वह है जो सत की श्रेणी में नहीं आता है, जो जड़ स्वरूप. शंकर ने कहा कि सत वह है जो त्रिकाल अबाधित है और असत वह है जो त्रिकाल बाधित है. जी सर. क्या मतलब है इस वाक्य का? सर, सत की परिभाषा त्रिकाल अबाधित, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में एक जैसा हो, जिसका किसी भी प्रमाण से बाध नहीं किया जा सकता. ठीक है, बहुत बढ़िया जी सर. और शंकर के यहाँ जो एक शब्द है मिथ्या, उसको लेके बड़ा समाज में कंफ्यूजन रहता है. आप बताएं कि मिथ्या का क्या मतलब है शंकर के यहाँ, और क्या सच में जगत मिथ्या है? सर, मुझे लगता है कि उन्होंने जगत को मिथ्या उस अर्थ में कहा होगा कि एक मनुष्य जगत की जो भौतिकवादी व्यवस्था है या जो अपने इच्छाओं पे वो नियंत्रण नहीं कर पाता है, अपनी वासनाओं के अनुरूप व्यवहार करता है, तो उन्होंने उस अर्थ में कहा कि आप परम तत्व कुछ और है, परम सत का आप अनुभव कीजिए, परम सत जो है अपनी चेतना के अनुसार काम कीजिए, बजाय भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे. क्या मिथ्या और असत एक ही बात है? जब शंकर कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो क्या वो ये कहते हैं कि जगत असत्य है, या इन दोनों में कोई अंतर है? जी सर. मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप PhD कर रही है अद्वैत वेदांत पर. सर, जगत को मिथ्या कहना अलग बात है और जगत को असत कहना अलग बात है. बहुत बढ़िया, समझा के बताइए कैसे. सर, मैं कुछ समय लेना चाहूंगी. समय लीजिए, आराम से सोचिए. सर, असत की जैसे शंकर ने परिभाषा दी कि असत तीनों काल में बाधित किए जा सकते हैं, पर सर यदि हम जगत को देखें तो सर जगत का ऐसा स्वरूप नहीं है, वो असत की परिभाषा में नहीं आते हैं। उन्हें सिर्फ व्यवहारिक स्तर में वो सत माने जाते हैं, लेकिन यदि हम पारमार्थिक स्तर पे जाते हैं तो जगत तब मिथ्या माना जाता है। तो सर बढ़िया, जब इतना क्लैरिटी है तो फिर आप क्यों घबरा रही हैं बताने से? बहुत अच्छी बात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि शंकर और नागार्जुन लगभग एक जैसी बातें कहते हैं, जिस वजह से शंकर को कुछ लोगों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा? सर कुछ सीमा तक कहा जा सकता है। जैसे बस दो तुलनाएं बता दीजिए दोनों में। सर पहला जो परम तत्व की अवधारणा है, दोनों ने प्रपंच रहित अनिर्वचनीय या चतुष्कोटि विनिर्मुक्त माना है, तो सर पहले अर्थ में माना जा सकता है। और सर दूसरा जो सत्ता के स्तर माने गए हैं सर, उस स्तर पे एक ये समानता देखी जा सकती है। ठीक, बहुत बढ़िया। पूजा जी सर, ये बताएं आप मुझे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का उद्देश्य क्या होता है? सर संयुक्त संसदीय समिति तदर्थ समिति कहलाती है। सर ये जो कार्यपालिका की उत्तरदायित्व है, कार्यपालिका का जो कार्य है उस पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। संसद में कई प्रकार के ऐसे मुद्दे या कई प्रकार के ऐसे विधेयक आते हैं जिन पे व्यापक स्तर पे विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो सर संयुक्त संसदीय समिति। अभी पिछले कुछ दिनों में इस कमेटी के गठन की बात हो रही है जी सर, वो क्या मुद्दा है जिसकी जांच ये करना चाहता है या करने के प्रावधान है? सर हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप में कुछ अलाभकारी जो जांच पाई गई, तो सर उसी के लिए संसद में ये मांग की गई कि जो अडानी के मामला है पूरा, उस पर गंभीर स्तर पे जांच पड़ताल करवाई जानी चाहिए। अब ये देखें आप, जैसे किसी कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है जी सर, सेबी भी है जी सर, और भी बहुत सारी एजेंसियां हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि वो एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए इतना बड़ा इशू बना और अब जेपीसी को इसकी जांच करनी पड़ेगी? सर पूरी तरीके से ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बाजार की आर्थिक व्यवस्था को जांच पड़ताल करने के लिए प्रत्येक देश में एक नियामकीय संस्था होती है। सर संस्थाएं बहुत सारी हैं, बट वही क्वेश्चन वही है कि जब इतनी संस्थाएं हैं जी सर, हर एक स्टेज पे चेक्स एंड बैलेंस है जी सर, तो इतने चेक्स एंड बैलेंस को बाईपास करके इतना बड़ा इशू कैसे बन सकता है जब तक उनके अंदर कोई भेद ना हो या करप्शन ना हो या इनएफिशिएंसी ना हो? सर हर संस्था में प्रक्रियात्मक स्तर पे और संस्थागत स्तर पे कुछ समस्याएं होती है। हम इससे पूरी तरीके से मना नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या लाल फीताशाही या कुछ अन्य प्रकार की जो प्रशासनिक समस्याएं होती है या लूप होल्स है, वो कहीं ना कहीं रहे होंगे, तभी जो वर्तमान की जो समस्याएं देखने को मिल रही है वो हमें दिखने। मान लीजिए कल सेबी की भूमिका पर क्वेश्चन मार्क लगता है तो निवेशकों के जो विश्वास है उनको बहुत भारी धक्का लगेगा जी सर, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला जो नकारात्मक प्रभाव होगा सर क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। जो निवेशक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से अपना पैसा बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो सर इससे जो आर्थिक वृद्धि है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर दूसरा, यदि कंपनियां यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज नहीं स्थापित करेगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे रोजगार के स्तर पे, हमारे उत्पादन के स्तर पे भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ठीक है। जेफ बेजोस कौन है? जी सर, सर अमेज़न कंपनी के संस्थापक। इलॉन मस्क? सर टेस्ला कंपनी के संस्थापक। मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि पद्म पुरस्कार किस लिए मिलते हैं या किनको दिया जाता है? सर समाज में जिन्होंने कोई योगदान दिया हो। जी सर, ठीक है, चलिए। एक्सक्लूसिव फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन को अभी पद्मश्री दिया गया जी सर, उनका कोई एक ऐसा योगदान बताइए मुझे आप जिसके लिए उनको ये पुरस्कार मिलना चाहिए था। सर पहला तो ये माना जा सकता है कि वो एक कलाकार है, तो सर ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। सर इस बारे में जानकारी नहीं है सर, मैं देखूंगी। चलिए, थैंक यू। पूजा जी सर, अभी अपने सर से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जी सर। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? सर औद्योगिक क्रांति का चौथा चरण है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सहारे जो सामाजिक आर्थिक जितने भी गतिविधियां हैं वो संचालित की जाएगी। अभी आपने IoT की बात की ना, IoT का जिक्र किया, क्या होता है ये? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? जैसे मतलब एक सामान्य भाषा में समझाना हो आपको तो कैसे समझाएंगे? सर ये कई सारे जो तकनीकी वस्तुएं हैं उनका मिला जुला रूप है जिसमें हम इंटरनेट की सहायता से उन्हें संचालित करते हैं। सर फॉर एग्जांपल जैसे घर में एसी लगा हुआ है और हम बाहर हैं और बहुत गर्मी है, तो हम हमारे फ़ोन से उसे संचालित कर सकते हैं कि जब तक हम पहुँचे तो रूम का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाए। तो सर वो एक IoT का उदाहरण देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा भविष्य में और क्या क्या कर सकता है IoT जिससे हमारा जीवन सुगम हो जाए? सर पहला हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर सकते हैं क्या? कि इमरजेंसी के टाइम पर मरीज को त्वरित और तीव्र इलाज दिलवाए जाने के लिए हम ऐसा एक मैकेनिज्म ला सकते हैं कि हम पहले ही पूरे जो स्टाफ है हॉस्पिटल का उसे अवेयर कर दें कि आप ये सारा मैकेनिज्म लेके तैयार रहें। एक मरीज की इतनी गंभीर हालत है, तो सर एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया। ठीक है सर, दूसरा हम आपदा के क्षेत्र में कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन में तकनीक का प्रयोग करके हम जो आपदा से होने वाला जोखिम है, नुकसान है, उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा महिलाओं की सुरक्षा को लेके किया जा सकता है। सर जैसे हाल ही में आजकल के फ़ोन में ये सिस्टम आ रहा है कि यदि कोई इमरजेंसी होती है तो कुछ कुछ फ़ोन में एक बटन की व्यवस्था होती है कि हम उसमें 3 लोगों के नंबर डाल सकते हैं ताकि हम किसी मुसीबत में हैं तो हम लोगों को बता सकें कि हम किसी प्रॉब्लम में, हमारी हेल्प करें। ठीक है, आपका नाम पूजा है और आपका विषय फिलोसफी है। जी सर। और आपकी हॉबी डांसिंग है। जी सर। फिलोसफी और डांस आपस में मिलते एक्चुअली नहीं है, मतलब सामान्य तौर पे नहीं मिलते हैं। जी सर। फिलोसफर तो ज़्यादा गंभीर टाइप के व्यक्ति, फिलोसफर कहने से या फिलोसफी विषय का नाम लेने से गंभीरता उभरती है, जबकि डांसिंग तो मौज मस्ती वाला मुद्रा एक है। क्या कोई ऐसे फिलोसफर कुछ हुए हैं जो डांसिंग में विश्वास रखते हों या डांस वांस में पार्टिसिपेट करते हों? जी सर। कौन? सर जो भक्ति परंपरा के दार्शनिक माने जाते हैं सर, उनका एक तरीका होता है कि वो अपने जो परम तत्व है उनको अभिव्यक्त करने के लिए नृत्य का। नाम? सर रूमी। सर रूमी एक प्रसिद्ध फिलोसफर माने जाते हैं जो अपने जो परम तत्व है उनसे जुड़ने के लिए नृत्य का। सर सूफी संप्रदाय के जो फिलोसफर्स होते हैं सर वो माने जा सकते हैं सर। और सर हमारे भारतीय परंपरा में भी शंकर देव जिन्होंने सर्वप्रथम कीर्तन की व्यवस्था शुरू की सर, सामान्यतः भक्ति परंपरा में सर ये देखा जा सकता है। तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि देखिए कई सारे धर्म या पंथ इस समय प्रचलित हैं दुनिया भर में। जी सर। लेकिन हिंदू धर्म में जितनी किताबें हमें मिल जाती हैं धार्मिक रूप से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई, इतनी किताबें आमतौर पे और किसी धर्म में नहीं मिलती। जी सर। ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका? सर इसका मेरी सीमित जानकारी के अनुसार जो मैं पहला कारण देख पा रही हूँ सर, जैसे ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध कथन है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत एक है, उसे जानने के, उसे बताने के अलग अलग मार्ग होते हैं। तो सर हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, वो इतनी सहिष्णु और इतनी व्यापक है कि उसने एक सत को बताने के कई अलग अलग तरीके के उपाय बाने। तो सर इसीलिए हमारे यहाँ पे धर्म में ये सत्य बोलने वाले अलग अलग तरीके नहीं थे सर, उन्होंने एक ही मार्ग बताया जिसे धार्मिक व्यावर्तकवादी कहा जाता है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के टर्म में। इसलिए सर वहाँ पे सीमित जो सोर्सेस हैं वो कम देखे गए बजाय भारतीय परंपरा के अनुसार। मैं मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और आप डिटेल करेंगे? सर जैसे मैं बताना चाहूँ सर, भारतीय परंपरा में वाद विवाद या शास्त्रार्थ की परंपरा बहुत देखने को मिली, इसलिए संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या वेदों जैसी परंपरा देखने को मिली। बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं हो पाया सर? बाकी जगह एक कारण जो मुझे लगता है कि सत को जो बताने के तरीके हैं वो एक ही है, और दूसरा समय भी बता नहीं पा रही हूँ। पूजा जी। जी यस मैम। आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ब्लॉग्स नहीं देखता है जी, लेकिन आपकी हॉबी पढ़ के उसकी इच्छा हुई कि वो देखे, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप रेकमेंड करेंगे कि आप उन्हें देखिए? मैम मैं पहला उन्हें वीज़ा टू एक्सप्लोर एक चैनल है जो हरीश बाली जी द्वारा चलाया जाता है, तो मैम मैं वो रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैम वो न सिर्फ उस जगह के बारे में बताते हैं बल्कि वो वहाँ का जो लोकल कल्चर है, वहाँ का खान पान, वहाँ की वेशभूषा और वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं वो सारी जानकारी देते हैं। तो उनके व्लॉग्स देख के वहाँ ना सिर्फ घूमने का मन करता है बल्कि और नई नई चीज़ें जानने का भी अवसर प्राप्त होता है। ठीक है। और मैम दूसरा तानिया खनीजो मैम, उन्होंने अपनी जो कॉर्पोरेट जॉब है वो छोड़कर सोलो ट्रैवलिंग का प्रचलन शुरू किया जो भारतीय समाज में एक लड़की होने के नाते बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो मैम मैं इन दोनों का नाम सजेस्ट करूँगी। फूड ब्लॉगर? मैम फूड ब्लॉगर में हरीश बाली जी का चैनल जो फूड्स के बारे में भी बताते हैं, और मैम दूसरा एक चैनल है गोलगप्पा गर्ल करके मैम, वो स्ट्रीट फूड के बारे में ज़्यादा बताती है तो मैम मैं मेरी जनरेशन के लोगों को गोलगप्पा गर्ल के बारे में सजेशन देना चाहूँगी। हम लोग वो नहीं देखे मैम। मैम स्ट्रीट फूड कई बार हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, मतलब बुजुर्ग लोग उसको ना देखें। नहीं मैम, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। कोई बात नहीं। पूजा, आप मुझे बता सकती कर्ली टेल्स क्या है? मैम व्लॉग चैनल है मैम वो, यदि मैं गलत नहीं हूँ अभी तो मैम वो अलग अलग टाइप के लोगों के साथ इंटरव्यूज लेती है। हाल ही में मैम उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ कामिया जानी जी मैम, है ना? ठीक है। पूजा जी, आप मुझे बताइए भारत की जो विदुषी महिलाएं हैं उनमें से कुछ के नाम लिए जाते हैं और आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई की है उसका नाम भी उनसे जुड़ा हुआ है। जी मैम। गार्गी। जी। तो आप मुझे बताइए गार्गी, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, ये लोग कौन थी और इनका क्या योगदान है? मैम गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा मैम ऋग्वेदिक काल की विदुषी और ब्रह्मवादिनी कही जाती है, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन किया और तत्कालीन समय के जो विद्वान थे उनके साथ शास्त्रार्थ किया। मैम गार्गी जी को याज्ञवल्क्य के साथ एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ के लिए बहुत याद किया जाता है। राजा जनक द्वारा एक विद्वानों के संगोष्ठी में गार्गी जी और याज्ञवल्क्य जी के बीच में संचालित किया गया था। ठीक है। और लोपामुद्रा? मैम लोपामुद्रा वैदिक काल की विदुषी मानी जाती है मैम। उनका योगदान मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाती। अच्छा पूजा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। मुझे ना एक आपने बोला ना सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, तो मुझे एक बुक पढ़नी है हिंदी में, तो आप कोई एक बुक रेकमेंड करिए मुझे और ये भी बताइए कि वो मुझे क्यों पढ़नी चाहिए। मैम हाल ही में मैंने विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखित मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बुक पढ़ी। मैम इस बुक के जो लेखक हैं उन्होंने नाजीज के द्वारा जो कैंप थे उनमें सर्वाइव किया, तो मैम उन्होंने अपनी बुक को 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया कि कैसे एक मनुष्य को अपने कठिन परिस्थिति में अपने संबल को बनाए रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन का अर्थ ढूंढना चाहिए। दूसरे पार्ट में मैम उन्होंने बताया कि लोगोथेरेपी होती है मैम, नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट में एक थेरेपी होती है कि वो आपके पास्ट के अनुभवों से बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए मैम, लेकिन लोगोथेरेपी एक नई अवधारणा है जो बताती है कि प्रत्येक मनुष्य का एक अर्थ होता है, उसके जीवन जीने का एक सार्थक महत्व है। तो मैम वो एक मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित करता है बल्कि अपनी कठिन परिस्थितियों में उनसे सामना करने के लिए भी शक्ति देता है। तो मैम मुझे पर्सनली ये बुक बहुत पसंद है। ठीक है पूजा जी, थैंक यू मैम। पूजा, आप जयपुर से हैं? यस सर। और आपको ट्रैवल और फूड ब्लॉग देखना पसंद है? यस सर। मुझे जयपुर घूमना है। यस सर। आप 5 स्थान बताइए जहाँ मैं घूम सकता हूँ और अच्छे भोजन का आनंद ले सकता हूँ। सर जयपुर अपने पर्यटन और अपने साहित्य के लिए बहुत फेमस है और सर इस हॉस्पिटैलिटी के लिए भी बहुत माना जाता है, इसलिए उन्हें पिंक सिटी कहा जाता है। सर जयपुर के 5 स्थल जहाँ न सिर्फ खान पान के दृष्टिकोण से, हम घूमने के दृष्टिकोण से भी जा सकते हैं। सर पहला चौकीधानी जी सर। सर वो राजस्थानी जो कल्चर है उसके साथ आपको वहाँ का पूरा माहौल देते हैं और सर वो जैसा राजस्थानी कल्चर है जमीन पर बिठाकर आपको सारे जो व्यंजन है, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी की सब्जी, इन सभी मतलब चौकीधानी पे मुझे राजस्थानी कल्चर और भोजन एक साथ मिल जाएगा। दूसरा कौन सा स्थान होगा? सर दूसरा जौहरी बाजार सर, जहाँ हम हवा महल घूम सकते हैं। और दूसरा सर वहाँ एलएमबी एक लक्ष्मी मिष्ठान भंडार एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट माना जाता है सर, वहाँ पे हम घेवर जो जयपुर का एक प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है हम उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तीसरा स्थान सर, तीसरा MI रोड पे यदि कोई नॉनवेज खाना चाहता है तो सर वहाँ पे राजस्थानी लोकल हैंडक्राफ्ट्स होते हैं, राजस्थली, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और हांडी हाउस करके एक होटल है, वहाँ का लाल मांस बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है सर। चौथा स्थान? चौथा पत्रिका गेट सर, वो एशिया का सबसे बड़ा सर्किल, झमार सर्किल वहाँ पे है सर। यदि किसी को स्ट्रीट फूड खाना है तो सर वहाँ पे कई प्रकार के स्ट्रीट फूड होते हैं और उसके आगे जाकर WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, तो सर वहाँ पे खाने का और 5वां स्थान हो गया। जी सर। ठीक है पूजा, धन्यवाद। थैंक यू सर। पूजा ये बताएं कि जब हम पूजा करते हैं जी सर तो नवधा भक्ति का एक कंसेप्ट आता है। सॉरी सर। नवधा भक्ति एक कंसेप्ट आता है भारतीय परंपरा में, जिसमें कीर्तन एक शब्द है जी सर, एक है अर्चना, एक है वंदना। आपने कीर्तन का जिक्र भी किया शंकर देव जी का। क्या आप सोच सकती हैं, बता सकती हैं कि वंदना, अर्चना और कीर्तन, इन तीनों में क्या अंतर है? ये पूजा की 3 विधियां हैं जी सर। अनुमान से बताइए। जी सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर, मैं अनुमान लगा सकती हूँ सर। वंदना अर्चना में सर हम एक जो हमारे परम तत्व हैं उनके प्रति गीत गाकर या आंतरिक और बाह्य तौर पे उनसे एक जुड़ाव महसूस करते हैं। हमारी अभिव्यक्ति का साधन या तो मौन भी हो सकता है या हम गीत के तौर पे भी कर सकते हैं। लेकिन सर कीर्तन में हम न सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति को आंतरिक तौर पे रखते हैं, बजाय हम नृत्य के माध्यम से या अपने गीत और नृत्य के साथ उस परम तत्व के प्रति स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। तो सर कीर्तन ज़्यादा अभिव्यक्ति व्यक्त करता है बजाय वंदना और अर्चना। और वंदना और अर्चना एक ही हैं सर, उनके बीच में मैं अंतर अभी सोच नहीं पा रही। कोई बात नहीं, मुझे एक आखिरी बात ये बताएंगे, जैसे जब हम पूजा करते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारा भावनात्मक व्यक्तित्व तो सामने आता है। जी सर। और जब हम दार्शनिक होकर सोचते हैं तो तर्क केंद्र में रहता है, और ये भी स्वाभाविक है कि जब हम तार्किक होंगे और जब भावुक होंगे तो कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शंस भी आएंगे। आप भी ऐसा महसूस करते ही होंगे, ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस को कैसे मैनेज करती हैं? सर प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने कहा है कि ईश्वर आस्था का विषय है और जो तार्किक विषय है उन्हें आस्था के विषय से दूर रखना, मतलब पृथक पृथक रखना चाहिए। तो सर यदि हम आस्था के विषय में विचार कर रहे हैं तो वहाँ बुद्धि का सिर्फ इतना रोल होना चाहिए कि जो अंधविश्वास है या रूढ़िवादिता है, हम अपनी आस्था में जो बाधक है उनका दूर कर सकें। बुद्धि का प्रयोग एक शोधन के रूप में हो सकता है कि हम हमारी आस्था को अंधविश्वास में ना परिवर्तित होने दें। तो सर आस्था और बुद्धि के बीच में एक पूरक संपूरकता का विषय किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है पूजा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका इंटरव्यू 20 तारीख को है यूपीएससी में? जी सर। आप दिल्ली में रहती हैं या दिल्ली आई हैं स्पेशली? सर भैया के पास रहती हूँ। नहीं रहती हैं दिल्ली में, ठीक। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? सर ठीक ठाक सा लगा। ठीक ठाक मतलब कितने नंबर मिलने चाहिए आपको इस इंटरव्यू में? सर पहला इंटरव्यू तो सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं, फिर भी कुछ भी सोच के बताइए। सर मैं नहीं सोच पा रही हूँ। अच्छा, और कितने अंक मिलने पर आपको लगता है कि यात्रा पूरी हो जाएगी? सर 180+। 180+, हाँ तो ठीक है, आप उसके नज़दीक हैं। 180 आज तो शायद नहीं, लेकिन थोड़ा सा बस काम कर लेंगे तो हो जाना चाहिए। आपकी एंट्री अच्छी है, एग्जिट ठीक है, बैठने का तरीका ठीक है, ड्रेस एकदम ठीक है, उस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छा दिया अपना। जी सर। लेकिन देखिए क्या होता है कि अगर आप चाह रही हैं कि आपका इंटरव्यू खास डायरेक्शन में चले, जी सर, तो इंट्रोडक्शन अगर पूछ लें वो लोग तो उसमें कुछ हिंट छोड़ने होते हैं। जी। मेरा ख्याल है कि आपने जब पीएचडी टॉपिक मैंने पूछा तो बताने के भाव में ये दिख रहा था कि आप चाह रही हैं उससे बात हो। जी सर। तो बहुत अच्छा तरीका ये है कि कबीर और शंकर पर ठीक से पढ़ लीजिए। जी सर। और जब भी बात शुरू हो, बातचीत में बता ही देना है कि सर मैं पीएचडी कर रही हूँ और मेरा टॉपिक है कबीर के दर्शन में अद्वैत वेदांत, जो भी टॉपिक है, ताकि उनको दो हिंट मिल जाए कि कबीर और अद्वैत पर बात कर सकते हैं। और वो बेचारे वो भूखे होते हैं कि कुछ हिंट मिले तो हम उससे पूछेंगे, क्योंकि उनके पास सवाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप फिलोसफी में कह रही हैं, एक तो आप बचपन से फिलोसफी पढ़ रही हैं, आपने ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स किया, पीएचडी, नेट है, जेआरएफ है, ऑप्शनल है। जी सर। तो मैंने जब आपसे अद्वैत पूछा तो हो क्या रहा है कि आपको शायद किसी ने सलाह दी है कि बहुत सोच समझ के बोलना, थोड़ा रुक रुक के बोलना, थोड़ा पॉज लेके बोलना। जी सर। तो पॉज लेके बोलना अच्छी बात है, लेकिन केवल उन प्रश्नों में जहाँ कुछ नया आपसे पूछा गया है और कुछ सोच के जवाब देना है। जी सर। कई बच्चे क्या करते हैं, उनसे नाम भी पूछो तो 3 सेकंड सोचते हैं पहले, फिर नाम के जवाब देते हैं, तो वहाँ वो पॉज चुभता है। जी सर। तो आप शंकर के सवाल में अगर एक लंबा गैप लेके फिर बोलेंगे तो ये भाव मन में आएगा कि इतना गैप क्यों ले रही है, आपको तो पता होना चाहिए टिप्स पे। जी सर। तो जिन प्रश्नों में पॉज की जरूरत नहीं है वहाँ आपको पॉज नहीं लेना है, तुरंत जवाब देना है। शंकराचार्य में जैसे आपने बाद में बताया, पारमार्थिक, व्यावहारिक, प्रातिभाषिक अच्छा बताया, शंकर नागार्जुन भी अंत में एक दो बार कुरेदने के बाद ठीक बताया। कबीर पर मैं पूछ नहीं पाया, मेरा ख्याल है कि आपने पढ़ाई होगा, देख लीजिएगा ठीक तरीके से। एक्सप्रेशन में यही एक तो पॉज वाला मामला है। ऐसा जहाँ आप अच्छे आंसर दे रही है वहाँ फ्लो आपका बड़ा अच्छा हो जाता है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया और फ्लो भी आपका अच्छा हो गया। सॉरी कहने का आपका तरीका अच्छा है, पॉजिटिव है, आप बोलते हैं कि मैं देखूंगी इसके बारे में, इसका मतलब ये दिखाना कि हाँ मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ सेइंग सॉरी है, ये अच्छा है। लंबी भूमिकाएं बांधने से बचना है। जैसे एक सवाल पूछा गया कि जयपुर में 5 स्थान देखने हैं तो क्या देखने चाहिए, आपने पहले 5-6 सेकंड सोचा, अपने शहर के बारे में सोचा, फिर आपने शुरू में 2 लाइनें राष्ट्र के नाम संदेश की तरह से बताई कि जयपुर जो है देश का एक बड़ा अच्छा इलाका है, गुलाबी नगरी है, इसमें घूमना बहुत ज़रूरी है, और फिर अब बताना शुरू करती हूँ कि मैं कहाँ घूमना चाहूँगी। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स को ना पेशेंस बहुत कम होती है ना, सीधे टू द पॉइंट बताना है कि जयपुर में 5 स्थान, सर सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगी यहाँ, साथ में एक बात कि यहाँ इसलिए, नंबर 2 पे ले जाना चाहूँगी, और वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ नंबर 2, ऐसे लगे कि आप जयपुर में घूम रही हैं, ये भाव आना चाहिए। तो लंबी भूमिका एकदम नहीं बांधनी है, सीधे पॉइंट पे आना है। रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस का आपने जिक्र किया, धार्मिक व्यावर्तवाद का। जी सर। जब भी कोई तकनीकी शब्द आप इस्तेमाल करें, कोशिश कीजिए कि उसका अंग्रेजी शब्द साथ में बोल दें। जी सर। और हो सके, क्योंकि जब आप इनसे बात कर रहे थे तो शब्द जिसने दर्शन नहीं पढ़ा वो नहीं जानता। एक ऐसा तकनीकी शब्द जो मेंबर शायद ना जानते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसको एक्सप्लेन करें एक लाइन में। जी सर। तो वहाँ पर वो एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा था। ट्रैवल ब्लॉग्स पे वैसे आपकी जानकारी बड़ी अच्छी है, आपने बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए, और जब मैडम ने कुछ ब्लॉग्स का पूछा वो भी आपको आइडिया था, अच्छी बात है। सेल्फ हेल्प बुक में आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, फ्रैंकल वाला, बहुत ही बढ़िया बुक है, और ऐसा लगा कि आपने सच में उसको पढ़ा है ठीक से। लोगोथेरेपी आजकल अच्छा कंसेप्ट माना जाता है, उसका जिक्र करना पॉजिटिव है। 5 प्लेसेस मैंने आपको बताई दी, लंबी भूमिका नहीं बांधनी है। वंदना कीर्तन वाला ठीक है, आपने अच्छा अनुमान लगाया, थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि नाम है तो कहीं वो सब सवाल पूछें। और लास्ट में जो भक्ति दर्शन कॉन्ट्राडिक्शन था वो बड़ा अच्छा आपने बताया, कांट का एग्जाम्पल लिया, अच्छा एग्जाम्पल लिया, काफ़ी अच्छा है। कुल मिला के आपका चिंतन अच्छा है। जी सर। जो गैप आप ले रही हैं बोलने में, प्रश्न सुनने के बाद, वो थोड़ा ज़्यादा है, कम कर लीजिए। अनावश्यक भूमिकाएँ नहीं बांधनी है। करंट अफेयर्स विशेष रूप से पॉलिटी पर देखने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे भी थोड़ा सा मामला फंसा था, तो पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स हैं जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। जी सर। और थोड़ा गति बस बोलने की बढ़ाइए। कबीर और अद्वैत को घोल के पी जाइए। जी सर। और इंट्रोडक्शन में इनका जिक्र कीजिए ताकि इंटरव्यू इन्हीं पर ज़्यादा आपका चले। जी सर। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत आए तो आप बात कर सकती हैं, हम लोग आपसे, मतलब मैं ही बात कर सकता हूँ, कोई अगर पॉइंट समझ में ना रहा हो तो बताइएगा। ठीक है। और कोई सवाल आपका? सर जितने सवाल थे आप से उनके मुझे जवाब मिल चुके। हाँ तो हाँ मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। जी सर। शुभकामनाएं और झंडे गाड़ के आइए। थैंक यू सर। थैंक यू।